तर्जमा यह है, यह जिक्र मुबारक है जिसको हमने नाजिल किया है। वहाजा जिक्रुन मुबारकुन अंजलना हो, और यह जिक्र मुबारक है को हमने नाजिल किया है। अफअंतुम लहू मुनकिरून, क्या तुम इस जिक्र का इनकार कर दोगे, इसकी बरकतों का इनकार कर दोगे, इसके मुबारक होने से इनकार कर दोगे। हमने इसको नाजिल किया है बरकत वाला बना का। अगर जिक्र कुरान है तो कुरान मुबारक है, अगर जिक्र मोहम्मद है तो मोहम्मद मुबारक है। इसलिए कि जिक्र को उलमा ने बमानाए कुरान लिया,
کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة الحجر ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں یہ قرآن ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا ہم نے ذکر کو رسول بنا کر بھیجا یہ ذکر نبی ہے اگر قرآن ہے ذکر تو مبارک ہے اگر رسول ہے ذکر تو مبارک نعرہ تکبیر عزیزان گرامی آج کی تقریر اور آج کے بعد کل کی تقریر اس سلسلے سے اور اس عنوان سے آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے کہ آپ بہت سی ضروری باتوں کو ان مجلسوں میں سمجھ لیں میں اس عمر کی کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی کہا جائے نوجوانوں کے ذہن نشین ہو جائے آج میں برکت پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کی زبان پر یہ لفظ چڑھا ہوا ہے ہم برکت چاہتے ہیں ہم برکت ڈھونڈتے ہیں کام میں برکت روزی میں برکت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کون سا انسان ہے جو برکت نہیں چاہتا جہاں برکتیں جمع ہو جائیں وہ مقام مبارک ہے جو برکتوں کا مرکز بنے وہ منزل مبارک ہے تو اس طرح سے آپ کے روزمرہ میں آپ کی عادتوں میں یہ داخل ہے کہ آپ برکت کو ڈھونڈیں اس لیے پہلے برکت کے معنی کو آپ سمجھیں برکت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شے بے تمام ہی و بے کمال ہی یعنی اس شے کی ایک ایک چیز ہر طرح سے آپ کے لیے مفید ہو جائے یعنی کوئی شے آپ کے پاس ہو بے تمام ہی و بے کمال ہی آپ کے لیے مفید ہو جیسے غذا میں برکت ہے روزی میں روزی میں برکت کے معنی کیا ہے کہ اگر وہ غذا ہے تو پہلی برکت یہ کہ وہ آپ کو قوت دے دوسری برکت یہ کہ صحت دے تیسری برکت یہ کہ بیماری کو دور کرے چوتھی برکت یہ کہ عبادت کے قابل بنائے پانچویں برکت یہ کہ آپ کے ہاتھ کو کسی اور کے سامنے پھیلانے سے روکے چھٹی برکت یہ کہ آپ کھائیں اور دوسرے کو کھلائیں تو پھر بھی کم نہ ہو اسی طرح سے برکت کے معنی یہ ہیں کہ اس شے کی ایک ایک ذرے کا ہر طرح سے مفید ہو جانا اور کوئی نقصان کی صورت کا نظر نہ آنا یہ برکت روزی میں برکت خداوند علی اعلی نے اس لفظ کو قرآن میں کئی مقام پہ استعمال کیا کئی مقام پہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله
मुनज़्ज़ह है वो खुदा, सुबहान है वो, तंजीह उसी के लिए है जिसने अपने बंदे को सैर करवाई रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा जिसके माहौल को हमने बरकत वाला बना दिया। मस्जिद अक्सा का माहौल बरकत वाला है। इस तरह से बरकत का तज़किरा मस्जिद अक्सा के लिए आया। एक और मकाम पे लफ्ज बरकत आया और इस शान से आया, सूरह आले इमरान, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। पहला घर जो जमीन पर वज़ा किया गया वो मक्के की सरजमीन पर था, वो मुबारक है और हिदायत करने वाला है आलमीन के लिए। खाने काबा को मुबारक कहा। बमानाए जाहिर खाने काबा को मुबारक कहा, बमानाए बातिन किसी बैत को मुबारक कहा कि जिस बैत की बरकत के साथ साथ उस घर वालों की बरकत भी शामिल है। मेरे जुमले को आप यकीनन नहीं समझ सके, मैं फिर समझाऊंगा। बैत को मुबारक कहा, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। पहला बैत जो वज़ा किया गया जमीन मक्का में वो मुबारक है और आलमीन के लिए हिदायत वाला है। यह बैत मुबारक है, बैत मुबारक है। और जब इब्राहिम की बीबी खड़ी हुई थी, वम्रअतुहु क़ायमतुन फ़ज़हकत फ़बशरनाहा बिइसहाक़ वमिन वराए इसहाक़ याकूब, हमने बशारत दी इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की, قالت أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا, कहा कि ताज्जुब का मकाम है, मैं साहिब औलाद हो जाऊंगी, मैं बूढ़ी हूं, मेरा शौहर बूढ़ा है। तो मलाइका ने कहा, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह, कि अल्लाह के अम्र से ताज्जुब करती है, रहमतुल्लाही व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमत भी है बरकतें भी। बैत मुबारक है, अहले बैत पे बरकतें हैं। नबी मेराज में जाए तो माहौल बरकत वाला है और फिर कुरान को मुबारक कहा, जिक्र को मुबारक कहा और आगे इरशाद हुआ, वो नज़ल्ला मिनस समाई मान मुबारका, हमने आसमान से मुबारक पानी नाजिल किया। आसमान से जो पानी हमने नाजिल किया वो बरकतों वाला है। क्यों बरकतों वाला है? वो जअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय, हमने पानी से हर चीज की हयात को वाबस्ता किया है। पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, इसलिए पानी बरकत वाला है। आपने देखी पानी की बरकत ये है कि हयात है। वो नज़ल्ला मिनस समाई मान मुबारका, और इसी मुबारक पानी को कहा वो अनज़ल्ला मिनस समाई मान तहूरा, हमने तहूर पानी और ताहिर पानी को नाजिल किया। जो मुबारक होता है वो ताहिर होता है।
मुबारक होता है वो ताहिर होता है, जहां बरकतें ही बरकतें हों वहां तहारत ही तहारत है। अब बरकत की जिद नहूसत, अब बरकत की जिद नहूसत, और जहां नहूसत है वहां तहारत नहीं है, वहां तहारत नहीं है। अगर नाम में नहूसत है तहारत नहीं है, अगर वक्त में नहूसत है तहारत नहीं है, अगर जिंदगी में नहूसत है तहारत नहीं है। नहीं इसके क्या माना हो गए, नहीं इसके माना ये हुए कि जो शय बेतमाओ में ही वो बेकमाल ही न मुफीद हो सके, और अपनी इफादियत को रोक कर नुकसान पहुंचाती जाए, मजरत रसा हो जाए, जरर पैदा कर दे। जहां नफा है वहां बरकत है, जहां जरर है वहां नहूसत है। इंसान बरकत को ढूंढता है, सुबह को घर से चलते हुए इंसान ये चाहता है कि आज के काम में बरकत हो, वक्त में बरकत हो, रोजी में बरकत हो, आज की मसरूफियतों में बरकत हो। कभी इंसान ये नहीं चाहता कि उससे बरकत का तसव्वुर हट जाए, हट जाए नहीं चाहता। इसलिए ये लाजिम है कि घर से निकलते वक्त अगर बरकत ढूंढने वाला बरकत चाहता है तो बरकत वाले नाम लेकर निकले, बरकत वालों का तस्करा करते हुए निकले, जिन पर बरकतें नाजिल हुई हैं उन पर दुरूद भेजते हुए निकले। मैं समझता हूं यहां तक आप यकीनन समझ गए। मैं मुबारक पे गुफ्तगु कर रहा हूं, यह गुफ्तगु जाहिर है छिड़ गई है तो उसको तफसील से आप सुनेंगे आज भी, और सिलसिला कलाम बाकी रहे तो इंशा अल्लाह कल भी। एक और मकाम पर कहा इन्ना अंजलना हो फी लैलतिम मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंजरीन, हमने नाजिल किया उसको एक मुबारक रात, और हम थे डराने वाले। दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ हम थे नाजिल करने वाले, वो मुबारक रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, या वो मुबारक रात जिसमें जिक्र को नाजिल। रात मुबारक, तूर पे मूसा ने जलवा देखा तो कुरान ने कहा बुकअतिम मुबारकतिन, वो बुका जो दरख्त के करीब था वो भी मुबारक था, बरकत वाला था। जहां जहां कुरान फायदे का जिक्र करता है लफ्ज मुबारक इस्तेमाल करता है। ये बहस आप समझ रहे हैं, और यह भी इरशाद हुआ कि अगर ये ईमान लाते, अगर ये हमारी बातों को सुनते लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम आसमानों से बरकतें इनके लिए नाजिल करते और बरकतों के दरवाजे खोल देते। अगर ये ईमान लाते, बरकतें बुलंदियों से आती हैं पस्तियों से नहीं आती। लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम बुलंदियों से बरकतों को नाजिल करते, बुलंदियों से बरकतें आती हैं, जिक्र में बरकत है, जिक्र जिस रात में नाजिल हुआ उसमें बरकत है, जलवाए तूर जहां चमका वहां बरकत है, मेराज जहां वाके हुई वहां बरकत है, आसमान से ताहिर पानी नाजिल हुआ तो पानी मुबारक है। तो अब माना आपके समझ में आए
कि जिसकी जरा जरा सी चीज काम आ जाए। मैं एक मिसाल और दूं, और अगर मिसालें देते जाऊं तो यकीनन आप ज्यादा समझेंगे, मगर इतना वक्त नहीं है। जैसे एक घंटे के 60 मिनट, हर मिनट के 60 सेकंड, तो उसके माना यह हुए कि एक घंटे के 3600 सेकंड हुए, 3600 लम्हे हुए। अब अगर बेकारी में, गफलत में, नींद में, मासियत में, गुनाह में ये घंटा गुजर जाए, ये साथ गुजर जाए, तो मनहूस है। और अगर ये 3600 लम्हों में से हर लम्हा याद हक में गुजरे, तो आप देखें ये पूरी साथ बरकत है, ये पूरी साथ बरकत है। जहां बरकत है वहां कदर है, और अगर पूरी रात में बरकत है तो पूरी रात कदर की रात है। और इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि किसी ने एक साथ गफलत में गुजार दी, उसको खबर भी नहीं हुई, उसने कहा ओहो एक घंटा हो गया, और यहां 3600 लम्हे किसी की याद में गुजर गए, तो उसकी एक साथ नहीं बल्कि उसकी 3600 साथों से आपकी एक साथ अफजल हो गई। इसलिए कि आपने कदर की, आपने बरकतों को पैदा कर दिया। बिल्कुल उसी तरह किसी की रात सोते कटी, किसी की रात कदर में कटी, तो लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कदर की रात हजार रात तो महीनों से बेहतर। अब आप फिर इसके माना पे गौर करेंगे, बरकत, बरकत यानी एक एक हिस्सा, एक एक जर्रा किसी चीज का सही मसरफ में आए, सही मसरफ में आए। इसीलिए कहते हैं कि खुदा रोजी में बरकत दे। रोजी तो मुअय्यन है, रोजी तो मुअय्यन है, मगर उसी मुअय्यन रोजी की कदर इस तरह से हो कि उसकी इफादियत बढ़ जाए। मैं एक साइंसी मिसाल चाहता था, मगर वो जरूरी है खुसूसन नौजवानों के लिए। आपको मालूम है कोयला, कोल, चारकोल जो आप जलाते हैं, ये किसी अंगेठी में इसको 1 पाउंड जला दीजिए, जल जाएगा, थोड़ी देर में जल जाएगा। मगर आपको मालूम है जदीद उलूम ने क्या किया, जदीद उलूम ने कहा कि हम इसी कोल को, इसी कोयले को इस तरह से जलाएंगे कि इसका एक एक पार्टिकल, इसका एक एक जर्रा, इसका एक एक हिस्सा अपनी इफादियत इस तरह से दे कि 1 पाउंड कोयले को एक ऐसे केस में जलाएंगे कि उसकी गैस से एक इंजन 7 दिन तक चलता रहे। फायदा उठाया तो एक एक जर्रे को जला के उसकी गैस को जाया होने नहीं दिया। बिल्कुल उसी तरह कोई खूब मुरगन गिजाएं खाए, सो जाए, तो हुआ क्या, गिजा ने फायदा नहीं दिया। और किसी ने एक जौ की रोटी इस तरह से खाई कि उसका एक एक टुकड़ा ताते रब में काम आया, तो वो बाबे
लोगों की रोटी का सही इस्तेमाल, यानी उसका एक एक पार्टिकल, उसका एक एक जर्रा इस तरह सर्फ़ ग़िज़ा हुआ कि बंदगी में काम आया, इताअत में काम आया, कुव्वत बनकर काम आया, और उसकी एनर्जी, उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने ताज्जुब किया, ताज्जुब किया। और उसके बाद खैबर तो 8 हिजरी में है, उसके बाद 36 हिजरी में, 36 हिजरी में अली बूढ़े हो गए थे। अली का सिन अकदस 62 के करीब आ चुका था, गिजा और कम हो गई थी, और लोग आपस में ये कहते थे इनका नहाजा कूतब्न अबी तालिब फकत काद अनिल किताल, अगर यही गिजा रह गई अबू तालिब के बेटे की तो अब अली लड़ न सकेंगे। फरमाया सुनो, मैं देख रहा हूं कि तुम ये कह रहे हो, नहीं यही गिजा मेरी ऐसी है, वल्लाही लौ तज़ाहरतिल अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा, अगर पूरा अरब मुझ अकेले से लड़ने के लिए आए तो इसी गिजा को खाकर मुंह न मोड़ूंगा। अब यह मसला समझ में आया, यानी कम से कम शय का ज्यादा से ज्यादा फायदा देना बरकत है। भाई आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको अल्लाह खुशकिस्मत रखे, इसलिए कि जरा जरा सी बात में बरकत है, जरा जरा सी बात में बरकत है। आमद कलील है सही, लेकिन अगर बरकत है तो कसीर से बेहतर है। अगर बरकत है, फायदा अगर दे, मुल्क सुलेमान में बरकत नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मुल्क सुलेमान में बरकत नहीं, इसलिए कि जब अपने बिसात को लेकर हजरत सुलेमान अपने कर व फर के साथ हवा में उड़ रहे थे तो एक किसान ने जमीन पे हल चलाते चलाते आवाज दी, सुभान अल्लाह मा उती अब्न दाऊद, पाक है मुनज्जा है खुदा, अल्लाह ने दाऊद के बेटे को भी क्या क्या चीजें अता की। यह गुफ्तगू हवा ने गोशे हुमायूं ने नबूवत में पहुंचाई, हुक्म हुआ बिसात को रोको, बिसात रुकी, उतरे नजदीक आए और कहा एक किसान, अगर एक मर्तबा तू अल्लाह की तस्बीह कर ले और अगर वो कबूल हो जाए तो वो मेरे मुल्क से बेहतर, वो मेरे मुल्क से बेहतर है। उसने घबरा के कहा या नबी अल्लाह, मुल्क सुलेमान और मेरी तस्बीह? कहा हां हां, इसलिए कि तेरी तस्बीह का सवाब रहेगा, मेरा मुल्क नहीं रहेगा। बरकत ये है कि जहां फायदा रहे, गुफ्तगू आप समझ रहे हैं, बरकत ये है जहां फायदा रहे। रात बरकत वाली रात, जिक्र बरकत वाला जिक्र, मस्जिद अक्सा का माहौल बरकत वाला माहौल, पानी नाजिल होने वाला मुबारक, तहूर, बुकाए वादी अयमन मुबारक। जब गुफ्तगू यहां तक पहुंच गई और आप बरकत को समझ गए तो अब एक हदीस सुनिए और याद रखिए, सादिक आले मोहम्मद। इरशाद फरमाते मेरी दादी के नौ नाम है,
दादी आप समझ गए ना, इमाम साजिद की जद्दे माजिदा कौन है? मेरी दादी के नौ नाम है। और फरमाया जिस तरह फातिमा नाम है उसी तरह मुबारका नाम। फातिमा जहरा का नाम है मुबारका। ये एक अजीब नाम है, नस मासूम है कि जहरा का नाम है मुबारका। जहां जिंदगी में बरकत, विलादत में बरकत, हयात में बरकत, इबादत में बरकत, सर्फ किए हुए वक्त में बरकत, मिली हुई गिजा में बरकत, अता की हुई रोजी में बरकत, औलाद में बरकत, शफात में बरकत, कयामत तक बरकत। यह मुबारक है। हाजा जिक्रुन मुबारकुन अंजलनाहु अफअंतुम लहू मुनकिरून। ये जिक्र मुबारक है जिसको हमने नाजिल किया है, क्या तुम इनकार करोगे? क्या तुम इनकार करोगे? अगर जिक्र कुरान है तो मुबारक, अगर जिक्र रसूल है तो मुबारक, और अगर जिक्र रसूल है जैसा कि कुरान ने कहा तो अंजलना इलैकुम जिक्रन रसूला, तो फिर फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले जिक्र से पूछो अगर तुमको इल्म नहीं है, तो अगर जिक्र मुबारक है तो अहले जिक्र भी मुबारक है। अगर अहले जिक्र मुबारक है तो ये अहले जिक्र की फहरिस्त में पहला नाम है मुबारका। मुबारका बरकत वाली फातिमा, मुबारका जिसका एक एक लम्हा बरकत का लम्हा नहीं, जिसकी हाथों की गर्दिश से चली हुई चक्की से पिसा हुआ आटा अगर रोटी बन जाए तो यतीम के लिए बरकत, असीर के लिए बरकत, मिस्कीन के लिए बरकत। ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات فاطمہ بابرکت ہے۔ میں نے عجیب بحث چھیڑ دی اور برکت کی ضد کیا ہے؟ बरकत की जिद है नहूसत। इस उन्वान पर मालूम नहीं कितनी तकरीरों की जरूरत होगी, क्योंकि एक बड़ी अजीब बहस छिड़ जाती है। क्या दिन मनहूस हैं? क्या तारीखें मनहूस हैं? क्या साआत मनहूस हैं? यह एक इल्मी बहस छिड़ जाती है। और चूंकि गुफ्तगू हमेशा बहुत सहल तरीके से शुरू होती है, मगर जैसे जैसे ऊपर जाती है गुफ्तगू जरा सतह से बुलंद हो जाती है। मुझे आपके अजहान पे भरोसा है, जबी तो ऐसी बातें करता हूं कि आप सब याद रखेंगे। उमूमन यह देखा जाता है कि लोग कहते हैं आज का दिन मनहूस है, कल का दिन मनहूस है। बहरहाल दिनों की नहूसत के मुतालिक मुझे एक बात कहनी है, और वो ये कि अगर जो तमहीद थी मेरी याद है ना, अब तक जो मैं कह चुका हूं वो सब याद होना चाहिए, वो उसका आलम यह है कि बेहतरीन गिजा जाए और फायदा न पहुंचा सके तो मनहूस है। जौ की रोटी इताअत हक के काम आ जाए तो बरकत है। बिल्कुल उसी तरह जो दिन मासियत इलाही में गुजर जाए वो मनहूस है, और जो दिन जिक्र इलाही से शुरू हो
बड़ा अहम मसला है, वो बाबरकत है। रावी कहता है मुझे बड़ी फिक्र थी इस मसले की, और रावी का नाम सुनिए, रावी का नाम है सकर स्वाद काफरे इब्ने अबी दुलब दाल लाम से। ये रावी है इमाम अली जनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको जहमत तो दे रहा हूं मगर याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बार बार मैं फिर इन मसाइल पे गुफ्तगू नहीं कर सकता हूं, और हर वक्त एक नया मसला सामने आ जाता है और दिल चाहता है कि फिर उस मसले पे गुफ्तगू हो। यह कहता है कि मुतवक्किल ने इमाम दहुम को सुर्रमनरा बुलवाया। मुतवक्किल का दौर है। कौन मुतवक्किल? वही जिसने कब्र हुसैनी के साथ बेहुरमती की थी करबला में। इमाम अली नकी सामर्रा गए, मुतवक्किल ने कैद कर लिया। जर्राकी हाजिब है जेरे अलिफ काफ, ये जर्राकी हाजिब है जिसकी कैद में इमाम रहे। इब्ने अबी दुलब बयान करता है कि मुझे एक अजीब वलवला पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ कि इमाम को कैद में देखूं, या कैद में जाके इमाम से मुलाकात करूं, इमाम को कैद में देखूं के माने वहां जाके मुलाकात करूं, उनकी कदमबोसी हासिल करूं कैद के आलम में, इमाम क्या करते हैं। ये कहते मैं सीधे गया इब्ने अबी दुलब के पास, उसने मेरी सूरत देखी, लोग बहुत से बैठे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग छटते गए, मेरी तरफ देख के कहा कैदी से मिलने के लिए आया है? कहा हां। कहा इब्ने अबी दुलब तेरे दिल में जितना अकीदा है उतना ही अकीदा मेरे दिल में है, मगर मैं मजबूर हूं, जा मुलाकात का। ये कहता मैं अंदर गया, इमाम को देख के गरिया गुलूगीर हुआ, इसलिए कि इमाम जहां इबादत कर रहे थे वहीं पहलू में इमाम की एक कब्र खुदी हुई। इमाम ने फरमाया कैसा है? अर्थी फरतन रसूल मेरी जान आप पे सदके, मैं अच्छा हूं। कहा कुछ पूछना है? कहा फरतन रसूल ये पूछना है कि एक हदीस पैगंबर की नजर से बोल, और वो अपना हदीस ये है कि दिनों से दुश्मनी न करो वरना दिन तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, और मैं समझ ना सका। देखिए सिवा मासूम के इन इरशादात को कोई समझा नहीं सकता है। इरशाद फरमाया इब्ने अबी दुलब दिनों के नाम ये हैं जो तू भी जानता है और दुनिया को मालूम, मगर ये बातें मुझसे याद कर ले। हफ्ता यौम सब्त, फरमाया ये दिन है अहमद मुश्तबा और मोहम्मद मुश्तबा। बहुत गौर से सुनिए, फरमाया इतवार यौम अहद, ये दिन है अली और फातिमा का। उसके बाद यौमुल इस्नैन, ये दिन है हसन और हुसैन। उसके बाद मंगल से शंबा यौमुस सलास, इरशाद फरमाया ये दिन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक के लिए। तीन इमाम, मंगल तीन इमाम से मंसूब है। इसका फरमाया बुध चहार शंबा यौमुल अरबा, इरशाद फरमाया ये दिन है मूसी काज़िम, इमाम रजा, इमाम तकी जवाद,
और मुझसे ये दिन मंसूब है। इमाम अली नकी रिवायत कर रहे हैं, याद है ना आपको, फरमाया ये दिन मूसी काजिम, इमाम रजा, तकिया जवाद और मुझसे मंसूब। इसके बाद फरमाया जुमेरात यौमुल खमीस फकत इमाम हसन अस्करी से मंसूब है। अब ये इतनी अजीब हदीस है कि उसकी तशरीह बहुत अजीब हो जाती है। जुमेरात इमाम हसन अस्करी से मंसूब है और जुमा हजरत हुज्जत। इरशाद फरमाया इब्न अबी दुलह, जब कोई दिन आए तो जो दिन जिससे मंसूब हो उसकी जियारत पढ़ी जाए, जो दिन जिससे मंसूब हो उसकी जियारत पढ़ी जाए। और उसके बाद इमाम ने फरमाया बस बरकतें ही बरकतें हैं। देखा आपने, यह दर्स है हमको जो मिला है, हमको जो मिला है वो दर्द यह है कि हर दिन किसी न किसी मासूम से मंसूब है। अगर उस दिन को शुरू किया जाए जिक्र से मासूम के, तो वो मासूम उस दिन का मुहाफिज है। नहुसतें खत्म, नहुसतें खत्म हुई क्यों? इसलिए कि जिक्र मासूम ने जमानत ली, जिक्र मासूम ने जमानत ली। अगर कोई दिन मासूम के किसी दुश्मन के जिक्र से शुरू हो या मासूम के किसी दुश्मन की मोहब्बत में शुरू हो तो उसकी नहूसतें जाहिर हैं। इस पर गुफ्तगू तफसील से तो होगी, मगर उसके बाद इतना कहना है इमाम ने फिर इब्ने अबी दुलह को पूरी जियारतें लिखवाई कि हफ्ते को यूं जियारत पढ़ो, इतवार को यह पढ़ो, पीर को यह पढ़ो, मंगल को यह पढ़ो, बुध को यह पढ़ो। ये पूरी जियारतें शेख अब्बास कुम्मी ने मफातीहुल जिनान में इसको इब्तदाई सफहात ही में जमा कर दिया इमाम अली नकी की रिवायत से। इस पर नजर रहे कि बरकतें कैसी आती हैं। वक्त हो रहा है, मासूम का जिक्र बरकत वाला जिक्र है, और फिर वो मासूमा के जहां बरकतें ही बरकतें, जिसकी औलाद में बरकत, जिसकी औलाद में बरकत कयामत तक, जिसके वक्त में बरकत कयामत तक। अगरचे सिन 18 बरस का है मगर बरकतों से भरा हुआ वक्त है, बरकतों से भरा हुआ वक्त है। विलादत बरकतों वाली विलादत, मुबारक विलादत। 5 बरस का सिन है तो मां का साया सर से उठ गया। भतीजा की बेटी है, भतीजा की बेटी है, आलमीन की सरदार है, मुबारका है। वो कतीजा जिसका माल इस्लाम के काम आया, और वो जहरा जिसने अपने हक को छोड़ा ये बतला के लेके जाओ इस जख्मी नाके को। मगर याद रखो मां का वो एहसान है, बेटी का ये एहसान। बहरहाल मुबारका है जहरा, चाहती हैं कि इफादियत हो। जिक्र फातिमा बड़ा बरकत वाला जिक्र है। मिल्लत मुस्लिमा में अगर इत्तेफाक है किसी मसले पर तो यह मसला है कि होंगी रसूल की और भी बेटियां, मगर जब दरबार खिलाफत में आई हैं हक मांगने के लिए तो यह पूछा है कि मुसलमानों क्या मेरे अलावा कोई और भी बेटी है।
क्या मेरे अलावा कोई और ऐसी औरत है जो रसूल की बेटी हो? तो अजीब बात, अजीब बात। अगर थी भी बेटियां तारीख इस्लाम के एतबार से तो सब मर चुकी थी, और जो मर चुकी थी अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी थी। अजीब बात है कि सिवा जहरा के उस दिन कोई न था जब जहरा खुतबा दे रही थी कि कोई है आलमीन में जो ये कहे कि उसका बाप मोहम्मद है? कोई है आलमीन में जो ये कहे कि उसका बाप मोहम्मद है? फमा अजाबू, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। और कैसे जवाब देते? अल्लाह ने यह तय किया, अल्लाह ने यह तय किया था कि मोहम्मद को बेटी अता करे। और जकरिया को यहया जैसा फर्जंद अता करने वाला, इब्राहिम को इस्माइल जैसा बेटा सरफराज करने वाला, मोहम्मद को चाहता तो कई बेटे अता करता, मगर नस्ल मोहम्मद की हिफाजत इसमें थी कि पहले बेटी रहे पर्दे में, बच्चे छोटे रहे ताकि बच्चे जब बड़े हो तो करबला आए। मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं दूंगा, यह मसला आपके इफहाम और तफहीम के लिए बहुत काफी है। यह मसलहत थी कि बेटी, और वो बेटी जो मुसलसल रो रही है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि रोने वालों में अगरचे आदम भी थे, नूह भी थे, याकूब भी थे, और इरशाद फरमाया मेरे जद भी थे जैनुल आबिदीन, मगर जिस शान से जहरा ने गरिया किया, जिस शान से फातिमा रोती रही है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अजीब बात है, आप इतने बीमार रोते थे तो किसी को एतराज नहीं था कि आप क्यों रोते, मगर जब जहरा ने बयान शुरू किए तो मदीने वालों ने एतराज किया, या अबुल हसन या ये दिन को रोएं या रात को रोएं, इनके रोने से हमारे कारोबार में खलल पड़ता है, क्यों रो रही हैं? बाप याद आ रहे हैं, वही बाप ना जो बेटी की ताजीम के लिए खड़े होता, वही बाप जो बेटी के घर पे आके सलाम करता, वही बाप जो आस्ताने जहरा पर पहुंच के आए तथीर की तिलावत करता, वही बाप जो बेटी को अपने गले लगा के ये कहता इन्नी अशुम्मो इंदके रायहतल जन्ना, जहरा तेरे पास से जन्नत की बू आ रही है, और वही बाप नहीं है, मस्जिद में अजा नहीं है। अजीब हंगामा है, नफसी नफसी की आवाजें बुलंद हैं। कहा क्या हुआ बिलाल, अब ये भी अजा नहीं देते? लोग दौड़े जाके बिलाल को बुलाया, बिलाल से कहा नबी की बेटी अजा सुनना चाहती है। बिलाल पहुंचे, उसी शान से आवाज दी अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी ने कहा अल्लाहु अकबर। बिलाल ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जहरा ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल ने कहा अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बिलाल कहता है कि मैं दूसरी मर्तबा कह न पाया था कि किसी ने दामन अबा को मेरे खींचा, और कहा बिलाल चुप रहो, मोहम्मद की बेटी बेहोश हो गई। रो रही है, बाबा का पैराहन सूंघा, बेहोश हो गई।
बाबा के मुसल्ले को देखा, बेहोश हो गई। बाबा का जिक्र सुना, बेहोश हो गई। ये जिंदगी जहरा की है, साहिबान औलाद ज्यादा अंदाजा कर सकते हैं कि जिसकी एक ही बेटी हो और जो बाप अपनी बेटी को इतना चाहता हो, वो बेटी बाप के मरने के बाद बाप की कब्र पे जाके कहे, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लहु अल्लाह, सुब्बत अलैयाम सिरन लिया लिया। आखिर वो क्या जहमत थी, वो क्या मुसीबत थी। आज की गुफ्तगू खत्म हो रही है। जब कभी फातिमिया के ये दिन आते हैं, जब कभी जहरा की मुसीबतों के बयान करने के ये दिन आते हैं, मेरा दिल इसलिए लरस जाता है कि ये उसी बीबी का तस्करा है कि जो बीबी हर मजलिस में हमारे साथ फिर फिर के रोती है। ये उसी बीबी का तस्करा है जिसको हम, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी लड़कियां बराबर पुकारती रहती है, बीबी मदद करो, शहजादी मदद करो। ये उस बीबी का तस्करा है जिसके लिए साले गुज़िश्ता भी मैंने कहा था, साले पैवस्ता भी मैंने कहा था, इस साल भी कह रहा हूं, जिंदगी रहेगी तो बराबर अर्ज करता रहूंगा। उरफा ने एक अजीब बात कही है और कहा है कि जो कोई फातिमा का गुलाम, जो कोई फातिमा का खादिम, जो कोई फातिमा का दोस्त रखने वाला मुसीबत में मुब्तला हो जाए और अगर आधी रात के वक्त दाहना रुखसार मिट्टी पे रख के आवाज दे, मोहम्मद की बेटी फातिमा मेरी मदद कर, मोहम्मद की बेटी फातिमा मेरी मदद कर। उरफा ने कहा कि अगर 135 मरतबा पुकारे तो उरफा कसम खा के कहते हैं कि जहरा बे अख्तियार मदद के लिए आते। जहरा मदद के लिए आती हैं बशर्ते कि कोई पुकारे, या फातिमतो बिनते मोहम्मदिन अदरकीनी, ए मोहम्मद की बेटी फातिमा मेरी मदद को आ। तो जहरा अपने गुलामों को रद्द नहीं करती, जहरा अपने बेटे के रोने वालों को मायूस नहीं करती। और फिर जब तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहती है तो क्या गुजरी होगी कल्ब जहरा पर, जब हुसैन रुखसत के लिए माँ की कब्र पर आए होंगे और आवाज दी होगी, अम्मा हुसैन आवारा वतन हो रहा। सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा हमको कामिल ईमान कर, हमको कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के, ताजील फरमाओ ज़हूर हुज्जत।